There are some other areas in which students need guidance and they must be assisted so they can develop wholesome personalities. One area, jo ke, par jis par is the student's ka adolescent period. Hai. And that is something where they really need a lot of emotional support. When children are growing up and becoming adults, that is an area where they find a lot of difficulty in adjusting. They face a lot of psychological turmoil and as they are growing they need a lot of support from all the stakeholders that are around them so what kind of support are we providing to the students what kinds of mechanisms have we developed in our schools so that appropriate support systems are in place as and when required is iske liye ye bhi bahut zaruri hai parents support hasil parents are important stakeholders in their children's education and it is important to solicit their सपोर्ट इसके अलावा जो दीगर स्टाफ मेंबरान हैं उनकी भी सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड एंड इट बिकम्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड हुड टू एडल्ट हुम्स वेरी स्मूथ इफ प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम आर पुट इन प्लेस जिस में अगेन टीचर्स प्ले अ वेरी क्रूशल रोल और वहां पर टीचर्स जो हैं दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू फेस चैलेंजेस वेन स्टूडेंट्स अराइव एट दिस पर्टिकुलर स्टेज वहां पर डिटर्मिन करना जरूरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस स्टेज पर हैं उनको किस किस्म की इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है और किस तरह हम स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं मिसाल के तौर पर इस स्टेज के ऊपर बास स्टूडेंट्स जो हैं वो बुलीज़ बनते हैं बिकॉज दैट इज अ साइन ऑफ एडल्टुड और जब वो बुलीज़ बनते हैं सो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं अपने साथी तलब इलमों को जो उनके विक्टम्स भी बन सकते हैं तो वहां पर क्या आपके पास एंटी बुलिंग पॉलिसीज हैं हैव यू पुट दम इन प्लेस हैव यू अपराइज स्टूडेंट्स ऑफ दोज एंटी बुलिंग स्ट्रैटीज़ सो दैट स्टूडेंट्स मे नॉट रिजॉर्ट टू बुलिंग मैकेजम्स तो इस तरह अगर आपके पास पॉलिसीज़ इन प्लेस होंगी आप जहनी तौर पर तैयार होंगे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए तो वहाँ पर फिर इन मसाइल का हल जो है वो बेहतर तरीके से निकल सकता है तो जब काउंसलिंग की बात आती है तो काउंसलिंग जो है वो बहुत मदद कर सकती है टू असिस्ट स्टूडेंट्स इन दिस पीरियड ऑफ टर्मोल एंड कन्फ्यूजन क्योंकि बाद बच्चे जो हैं वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि एक ख़ास स्टेज के ऊपर आके दे हैव बिकम एडल्ट्स बिकॉज वैन दे आर चिल्ड्रन दे फॉर देम एडल्ट आर द रोल मॉडल्स एंड दे वॉन्ट टू कॉपी देम एम्यूलेट दैम एज सुन एज पॉसिबल एंड वैन देर देर इज़ अ स्टेज When they are growing physically, they realize that the stage perhaps has come to act as adults. And that's where they make most of the errors. And they need a support in that particular period a lot. If teachers and parents, they, they support each other, they make deeper connections with each other, then framing the, that child, putting that child in a specific framework becomes easy and support becomes very easy. इसमें में बाज़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार हो जाते हैं और उसकी वजह से उनके जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उनको आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें ताकि प्रॉब्लम्स की सोलूशनस की तरफ जाया जा सके आम तौर पर इस स्टेज के ऊपर मिसाइल जो हैं वो इमोशनल नोयत के होते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बात में आते हैं एंड सम दे आर अन एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस और उसमें बाजात जो है स्टूडेंट्स आपस में भी जो है उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं स्टूडेंट्स जो हैं दे हार्म एंड इंजर ईच अदर इमोशनली समाइम्स फिजिकली ऑल्सो तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स जहनी तौर पर तैयार हों स्कूल जहनी तौर पर तैयार हो पेरेंट्स जहनी तौर पर तैयार हों ताकि इन इन स्टूडेंट्स को उस स्टेज के ऊपर प्रॉपर सपोर्ट दी जाए बट इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ अ नेचुरल जर्नी दैट अ चाइल्ड गोज थ्रू एंड इट इज़ एब्सोल्यूटली नॉर्मल टू बिहेव इन स्पेसिफिक मैनर्स एंड थिंग्स कैन गो अनकंट्रोल्ड तो वहाँ पर फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं sometimes students they go so out of hand that it is impossible for a teacher to control that child and then proper counseling help is solicited so problems can be can be controlled at a very early age when students are counseled at a regular basis so it is important when the adolescent time comes that students are counseled you know at at a proper level and you know in a periodic manner so that they know how to control and how to manage their emotions properly.